दोस्तों अभी आप जैसा कि देख पा रहे होंगे मेरे हाथ में एक मैच बॉक्स है। ये मैच बॉक्स कोई ऐसा वैसा मैच बॉक्स नहीं है, ये है पूरी तरह से एक मैजिकल मैच बॉक्स। अगर यहाँ से लेफ्ट टू राइट कोई चीज़ जाती है मैच बॉक्स के अंदर से तो वो हो जाती है ब्लैक, और अगर कोई चीज़ यहाँ से जाती है राइट टू लेफ्ट तो वो हो जाती है वाइट। आपको यकीन नहीं हो रहा तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैच बॉक्स है और इस तरफ है एक वाइट थ्रेड, देखिए, और इसका दूसरा सिरा है वो है राइट की ओर। अब मान लीजिए मैं इसे खींचना स्टार्ट कर रहा हूँ, देखिए धीरे धीरे जैसे कि हम इसे खींचते जा रहे हैं, देखिए जो वाइट थ्रेड है वो अंदर खींचता चला जा रहा है और यहाँ से निकल रहा है ब्लैक होकर। देखिए जो थ्रेड था वो पूरी तरह से ब्लैक हो चुका है, देखा आपने। और यहाँ से अगर जैसा कि मैंने कहा उल्टा राइट टू लेफ्ट जाती है तो वो हो जाती है ब्लैक में से वाइट। देखिए यहाँ से हम खींचते हैं धीरे धीरे से, देखिए तो क्या हो रहा है, देखिए पूरा जो ब्लैक थ्रेड था वो अंदर जा चुका है, देखिए और बदल के आ चुका है इस फॉर्म में। ये थी वो आज की मैजिक ट्रिक। ये मैजिक ट्रिक आपको कैसी लगी ये हमें लाइक के जरिए बताइए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। और अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए पहले आपको क्या क्या चाहिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। दो इस तरह का देखिए कार्डबोर्ड पीसेस चाहिए। इसका साइज़ कितना होना चाहिए आपके मैच बॉक्स जितना, जिससे कि अच्छे से इसमें फिट बैठ सके। और दो चाहिए इस तरह के, और एक चाहिए इस तरह की स्टिक, जो कि जो कार्डबोर्ड हमारा जो है उसमें फिट होगी, और वो इसकी साइज़ होनी चाहिए बिल्कुल इतनी जितना आपका मैच बॉक्स है। देखिए तो चलिए अब मैं आपको ये कैसे काम करता है ये सिखा देता हूँ। तो दोस्तों अब इसे तैयार कैसे करना है वो मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ। इसके लिए चाहिए एक मैच बॉक्स जिसमें हमें करना है इस तरह के छोटे छोटे होल। देखिए दोनों तरफ एक छोटे सा होल होना चाहिए, और इसमें से पास थ्रू करना है हमें इस तरह का थ्रेड। और यहाँ पे मैंने लगा दिया एक छोटा सा, वो क्या बोलते हैं, नोट होती है वैसे कि, पर यहाँ पे मैंने लगाया है एक छोटी सी स्टिक, देखिए इस तरह की, ताकि ये जो धागा है वो पूरा का पूरा अंदर ना जा सके। अब क्या करना है वो मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों इस तरह से आपको यहाँ पे लपेट देना है थ्रेड को, और दोनों तरफ जो हमारे इसके कार्डबोर्ड पीसेस है इसे लगा देना है कुछ इस तरह से। देखिए अंदर मैकेनिज्म कुछ इस तरह का होगा इसका पूरा का पूरा। देखिए अभी मैंने ऐसे ही बना दिया है आप सबको दिखाने के लिए, तो ये प्रॉपरली जो है वो वर्क नहीं करेगा। देखिए इस तरह से खींचेंगे आप, अगर देखिए इस तरह से, तो ये थ्रेड जो है वो वाइट रहेगा, देखिए इस तरफ का रह गया। और अगर हम इस तरह से इसको ले जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ से निकलेगा पूरा का पूरा ब्लैक। अब देखिए इस तरह से अच्छे से इसको लगा देना है, देखिए। और बाद में क्या करना है, ये मान लीजिए इतना हो गया, इसका एंड आ गया, तो बाद में आपको यहाँ से कलर करना स्टार्ट करना है। देखिए पूरा का पूरा थ्रेड जो है वो कलर कर देना है, और बाद में जब आप इसे इस तरह से खींचेंगे, देखिए इस तरह से, तो इतना जो वाइट रहेगा, और बाद में खींचने पर ये जो वाइट है वो ब्लैक में कन्वर्ट होता जाएगा। देखिए बिल्कुल इस तरह से, यहाँ पे मैंने बाद में एक बनाया है, मतलब कलर करने के बाद में इसे जोड़ा है, तो इस तरह से ये जो इसका थोड़ा सा ये वाइट रह गया, ठीक है। आपको क्या करना है, ये एंड जब एंड तक आ जाएगा तब इसको कलर करना है, तो प्रॉपरली जो आप इसको यूज़ कर पाएंगे।